हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस चैप्टर 2 पार्ट 2 डेफिशिएंसी डिसेंस। दिस इज द फर्स्ट हेडिंग, मींस कमी से होने वाले रोग। अगर जो भी हम डेली अपने डेली के लाइफ में जो भी ईटिंग करते हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि होती हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं, तो इन्हीं की कमी से अगर कुछ बीमारियां होती है तो उसी को हम डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। तो चलते हैं, जो फर्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से कौन सी बीमारियां होती है, तो उसमें अगर देखा जाए तो वीकनेस, टायर्डनेस, वीकनेस कमजोरी फील होता है, ऐसा लगता है कि शरीर हमारा एकदम कमजोर हो गया है। और दूसरा जो है टायर्डनेस, और हमें थकान यानी थकावट महसूस ज्यादा होता है। सेकेंड जो हमारा है वो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की वजह से, प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है उसके बारे में देखा जाए तो इसमें है क्वाशरकर। क्वाशरकर एक ऐसी बीमारी है जिस जो कि छोटे बच्चों को होती है, जिनका एज 10 ईयर से कम होता है। तो उनमें होता क्या है कि उनकी पूरी बॉडी दुबली पतली हो जाती है, बट उनका जो पेट है, उनका जो बेली है वो पॉट की तरह निकल जाता है। सेकेंड जो है वो है मैरास्मस। तो मैरास्मस में क्या होता है, बच्चे दुबले पतले हो जाते हैं, उनके आंख के पास एक सर्कल बन जाता है, ब्लैक सर्कल बन जाता है, और जो हड्डियां होती हैं वो बहुत दुबली पतली हो जाती हैं। हार्ट हमारा जो है वो है डिफिशियंसी ऑफ फैट। सभी जान इसके पिछले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि फैट जो है वो हमारा एनर्जी की भी है, तो इसकी वजह से हमें टायर्डनेस होता है, रिड्यूस स्टेमिना ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की जो स्टेमिना होती है वो उनमें कमी आ जाती है और हमें थकावट फील होने लगती है। एंड फोर्थ जो है वो डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स में कई मिनरल्स हैं। फर्स्ट देखते हैं आयरन। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो रही है तो आयरन की कमी से हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है और उनकी वजह से एनीमिया हो जाता है। सेकंड जो है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन आते हैं, तो कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन की कमी से वीकनिंग ऑफ बोन, जो हमारे हड्डियां हैं वो एकदम कमजोर होती चली जाती हैं। और लास्ट जो है वो है आयोडीन। तो आयोडीन में अक्सर करके आप लोग देखे होंगे कि गले पे जो होता है वो एक सूजन सा आ जाता है, बॉल की तरह निकल जाता है, जिसको हम वाटर के रूप में जानते हैं।